हेलो दोस्तों, यदि आप लोग एसएससी जीडी यूपी पुलिस के साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। याद रखिएगा, टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में जीके जीएस के पोर्शन से जो 20 नंबर आने वाला है, आप लोगों को 10 से 15 नंबर यदि आप लोग हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट देख लेते हो तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह पार्ट नंबर हमारा जो होने वाला है, यह आपका 22 होने वाला है। आप लोगों ने अभी तक हमारे और सारे वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह क्वेश्चंस आईपीएल से रिलेटेड है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। यदि आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुगीवेन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य फ्रिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डगलस, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट करिएगा। यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने की सोच रहे हैं तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर आपको यदि चाहिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के और यूपी पुलिस के लिए, तो यह क्वेश्चन आपको पूरे ज़रूर देखने होंगे। यदि नहीं देखना चाहते हैं तो जा सकते हो वीडियो को छोड़कर, क्योंकि आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 104। टोटल कितने संशोधन किए गए हैं? तो दोस्तों, टोटल 104 संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन है, आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। तो आप सभी को बता दिया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला जो प्रकार का ऊतक है वह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपका उस युवा खिलाड़ी का नाम क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, युजवेंद्र चहल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह अभयारण्य जिस राज्य में स्थित है वह राज्य आपका कौन सा है? तो दोस्तों, वह राज्य आपका असम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वासु जो है रंजापे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध जिस खेल से है वह खेल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह खेल आपका है क्रिकेट, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? दोस्तों, जो शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था वह कौन सा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हंटर आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा एक एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो आपको बता दिया जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप जो होता है वह एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इनमें से जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है वह कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेन गंगा। आप लोग याद रखिएगा, इसे पेन गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष जो है कितने में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों यह जिस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था वह वर्ष आपका कौन सा था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए आंसर 2021 वह वर्ष था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों नेपाल से जिस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की जो है सीमा नेपाल से नहीं लगती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस चुनाव आयुक्त ने 2020 में फिलीपींस आधारित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? वह कौन थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक लवासा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता हैं? तो इनका जो संबंध है वह आपको बता दिया जाए, यह जिस क्षेत्र से है इनका उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से इनका संबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड्स जीता है? तो यह किसने जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम ने जीता, याद रखिएगा सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी जो है स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति जिस वर्ष शुरू की गई थी वह वर्ष आपका 2008 था, याद रखिएगा 2008 में यह नीति शुरू की गई थी। क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत के कृषि में प्रभावशाली प्रगति के द्वारज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया, इसका जो है शीर्षक निम्न में से क्या था? तो दोस्तों इसका शीर्षक जो था इनमें से वह आपको बता दिया जाए, गेहूं की क्रांति इसका शीर्षक था, याद रखिएगा गेहूं की क्रांति, याद रखिएगा सभी लोग। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवताओं के सम्मान में जनजातियों द्वारा जो है इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो इनमें से जो कृषि उत्सव मनाया जाता है वह आपको बता दिया जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रम महोत्सव जो होता है, क्रम महोत्सव इसके अंतर्गत जो है कृषि उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को जो है किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जाएगा? तो यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो मेरे प्यार दोस्तों यह जो अनुच्छेद बताता है वह आपका अनुच्छेद 24 है। इसमें यह बताया जाता है कि 18 साल से कम वर्ष के बच्चों को जो है कारखानों में काम करने से जो है रोका जाता है हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2021 में वर्चुअल मोड में संपन्न हुए 13वें वृक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों इनमें से किसने की थी तो आपको बता दिया जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो सेक्शंस में जाकर पूरे क्वेश्चंस को देखिए और एग्जाम में आप लोगों को वहां से 1 से 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? दोस्तों सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ का आंदोलन जो शुरू किया गया था वह जिस वर्ष शुरू किया गया था वह वर्ष आपका 1875 था, याद रखिएगा यह 1875 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों सुरक्षा बल की स्थापना दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है वह तिथि आपकी कौन सी है, आपको बता दिया जाए 1 दिसंबर है, याद रखिएगा 1 दिसंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, तो जिस शहर में यह चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है वह शहर आपका कौन सा है, मैसूर शहर, याद रखिएगा मैसूर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो इनमें से अंतिम मौर्य सम्राट जो था इसकी हत्या जिसके द्वारा की गई थी वह आपको बता दिया जाए विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यह वीडियो लेक्चर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को यदि 25 नंबर क्वेश्चंस को पूरा देखा है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।